मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां नई लॉन्च होती ही रहती हैं, चाहे वो क्रेटा 2020 हो, वेन्यू हो, किया सेल्टोस, काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, एमजी हेक्टर वगैरह भी हो, बहुत सारे जो कंपनीज़ अभी क्या कर रही हैं, पेट्रोल को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, पेट्रोल पे बहुत फोकस है, इसीलिए पेट्रोल के जो वेरिएंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो क्या होता था, हर एक डीजल गाड़ी में टर्बोचार्जर होता था और पेट्रोल में नहीं, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल के वेरिएंट ज़्यादा हैं तो किसी ना किसी एक नेचुरल एस्पिरेटेड रखना पड़ता है, एक टर्बोचार्जर के साथ रखना पड़ता है। तो आखिरकार टर्बोचार्जर होता क्या है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, चाहे कॉल पे जो मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप हो, यहाँ पर इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है, यूट्यूब पे अगर नीचे कमेंट करते हैं लोग कि टर्बोचार्जर होता क्या, उससे बेनिफिट क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या है, टर्बोचार्जर से प्राइस क्यों बढ़ जाती है, इस तरह के उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि टर्बोचार्जर के बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, प्राइस क्यों ज़्यादा होती है, टर्बोचार्जर आखिरकार होता क्या है, कैसे काम करता है और उससे आपके इंजन की पावर कैसे बढ़ जाती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हाँ, शेयर ज़रूर करें इस तरह की वीडियो को लोगों के साथ। अब क्वेश्चन आ जाता है कि टर्बोचार्जर होता तो है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, करता क्या है। इसका बेसिकली काम यही है कि जो एक्स्ट्रा एयर होती है उसको कंप्रेस करता है ये, एंड वो कंबशन चैम्बर में भेजता है ताकि कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट की जाए। इसीलिए थोड़े से फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड। नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें जो फ़र्क आ जाता है माइलेज का, वो ये आता है कि अगर दोनों सेम पावर जनरेट करें तो जो टर्बोचार्जर वाला इंजन है वो कम फ्यूल में उतनी पावर जनरेट कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। नेचुरल एस्पिरेटेड को हम नेचुरल एस्पिरेटेड इसलिए कहते हैं बिकॉज उसमें जो हवा जाती है, जो एयर जाती है, कंप्रेस्ड एयर जाती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एयर जाती है, इसलिए हम उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बोलते हैं। टर्बोचार्जर में वो आर्टिफिशियल एक तरह से होती है, उसको एक्स्ट्रा फोर्स किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। टर्बोचार्जर में एक होता है टर्बाइन, एक होता है कंप्रेसर, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ शो करता रहूँगा। जो भी जब इंजन पावर जनरेट करता है उस टाइम पे जो उसकी गैसेस निकलती हैं, एग्जॉस्ट की तरह से निकलती हैं, उसको वो कैप्चर करता है एंड वो उस टर्बाइन में से होके निकलती है, क्योंकि वो राउंड एक बना होता है एंड उस टर्बाइन में से वो होके निकलती है। जिस प्रेशर पे वो हवा निकल रही है इंजन से, उसी प्रेशर की वजह से वो टर्बाइन घूमता है, और जब वो टर्बाइन घूम रहा है तो जो उसका कंप्रेसर है वो भी घूमता है, जो उसके साथ कनेक्टेड है। वो कंप्रेसर क्या करता है कि बाहर की एयर को सक करता है, क्योंकि वो टर्बाइन से उल्टा घूमता है, अगर ये इधर घूम रहा है तो ये इधर घूमेगा, ये हवा को बाहर निकाल रहा है तो वो हवा को अंदर खींचेगा। कंप्रेसर अलग से हवा को, अलग इनटेक से हवा अंदर खींचेगा, उस एयर को कंप्रेस करेगा वहाँ पर, और हीट हो जाएगी उससे वो, और उसके बाद वो सारा जाएगा इंजन के बीच में। इंजन की जब कंबशन चैम्बर में उसको जाती है, वो एक्स्ट्रा हवा जाती है, तो उस वजह से वो ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता है और वो बेटर फ्यूल एफिशिएंट भी होता है एक नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन से। अब इसका चक्कर क्या, अब नॉर्मली क्या होता है, टर्बोचार्जर इंजन की माइलेज कम हो जाती है, ऐसा नहीं है, माइलेज टर्बोचार्जर और नेचुरल एस्पिरेटेड की सेम रहती है। टर्बोचार्जर में आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, आप कोई भी इंजन उठा के देख लें, चाहे वो सेल्टोस का 1.4 और 1.5 का कंपैरिजन हो, या फिर वेन्यू का 1.2 और 1 लीटर का कंपैरिजन हो, कैपेसिटी कम होने के बावजूद जो आपका टर्बोचार्जर है उसकी वजह से उसमें आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है, और माइलेज दोनों में सेम रहती है, माइलेज का कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूल एफिशिएंट है ज़्यादा, कि आपको ज़्यादा पावर लेकिन कम फ्यूल लगता है आपका, वहीं नेचुरल एस्पिरेटेड में आपका फ्यूल भी लग रहा है और पावर भी नहीं मिल रही है आपको। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, आई होप समझ आ गया हो। अब क्या होता है कि जब वो कंप्रेस्ड एयर होती है ज़्यादा तो वो हीट भी ज़्यादा होती है, तो टर्बोचार्जर गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो भी ज़्यादा गर्म होती है, उस वजह से इंजन तक वो इतनी गर्म हवा पहुँचाना सेफ़ नहीं है उसकी पाइप्स के लिए एंड एवरीथिंग ना, तो बीच में लगता है एक इंटरकूलर जो उस हवा को उस कंप्रेस्ड हवा को ठंडा भी करता है साथ के साथ जब वो कंबेशन चैम्बर तक जाती है। तो इस सारे प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स लगते हैं, यानी कि टर्बोचार्जर, टर्बाइन, कंप्रेसर, इंटरकूलर लगता है, ऑयल कूलेंट सिस्टम भी लगता है टर्बोचार्जर को ठंडा रखने के लिए, बिकॉज वहीं पे सारा प्रोसेस हो रहा तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उन चीज़ों को उस सारे पार्ट्स की वजह से टर्बोचार्जर जो इंजन होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सारे पूछते हैं कि नेचुरल एस्पिरेटेड वाला सस्ता पड़ रहा है टर्बोचार्जर की, बल्कि सीसी कैपेसिटी है जो हम क्यूबिक सेंटीमीटर वाली कैपेसिटी देखें वो कम है, तो उस अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अब जब भी कोई इंजन पावर जनरेट करता है तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल और एयर को मिक्स किया जाता है, उसका एक बस्ट होता है मतलब उसको, और उसकी जो वजह से पिस्टन हिलता है उस वजह से हमें पावर मिलती है, उसी वजह से हमारे व्हील्स हैं जो स्पिन करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर टर्बोचार्जर की हेल्प से
ज़्यादा उसको हवा मिलेगी, ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो कम फ्यूल में ज़्यादा बर्न कर पाएगा एंड ज़्यादा पावर दे पाएगा और उससे फ्यूल भी कम लगेगा, फ्यूल एफिशिएंट होगा। अब ये क्योंकि जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, हवा पहले निकलेगी एग्जॉस्ट से, उसकी हवा वापस घूम के वापस आएगी, कंप्रेस्ड एयर की तरह एक्ट करेगी, ज़्यादा बर्न करेगी, ज़्यादा पावर देगी, इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। हालांकि ये बहुत जल्दी होता है, लेकिन फिर भी जो इतना इसमें जो टाइम लगा उसी को हम कहते हैं टर्बो लैग, जो टर्बो का जो पावर आने में जो थोड़ा सा हमको टाइम लगता है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा स्पीड पे होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है। जो टर्बाइन की स्पीड होती है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 250,000 RPM पे घूमती है इस प्रोसेस में। आप सोच ही सकते हैं वो कितना गर्म हो जाता होगा, इसीलिए उसमें और पार्ट्स लगते हैं, इंटरकूलर, ऑयल कूलेंट वगैरह, एंड ताकि उस सारे सिस्टम को ठंडा ही रखा जाए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई थोड़ी सी, अब पार्ट्स बढ़ गए इसीलिए कॉस्ट बढ़ी। अब पार्ट्स बढ़ने से क्या होता है, जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे उतने ही चांसेस हो जाते हैं किसी पार्ट का ख़राब होने का। अब ख़राब होता है तो ऑब्वियसली इंजन तक खोलना पड़ जाता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाई है। अगर अच्छी क्वालिटी का टर्बो चार्जर नहीं लगा, अच्छी क्वालिटी के मेटल्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं, सारा जो सिस्टम है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है टर्बो चार्जर होने का। उसके अलावा एज सच कोई नहीं है, बिकॉज आपको पावर एक्स्ट्रा मिल जाती है, कॉस्ट एक बार ज़्यादा देनी पड़ती है, और माइलेज में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपको एक बूस्ट मोड जब आपको मिलती है टर्बो चार्जर, के नुकसान नहीं है कि जब उसका वो टर्बो चार्जर वर्क कर रहा है ना, एंड आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, कोई गाड़ी में गैप, किसी दो गाड़ियों के बीच में गैप से एकदम से पिक करके आपको बीच में से निकालना है, ओवरटेक करना है, तब आपको टर्बो चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करें तब आपकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जब ये क्रूज़ मोड पे है, जब टर्बो चार्जर नॉर्मली चल रहा है, एक अच्छी पावर आपको देता जा रहा है, बहुत अच्छी माइलेज होती है, बहुत बहुत अच्छी। अब मेरी भी XUV300 है, मेरे पास टर्बो चार्जर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, अगर उसको मैं एकदम से पावर देके रेसिंग मोड में चलाना चाहूँगा तो उसकी माइलेज ऑब्वियसली काफ़ी कम आएगी। अब सपोज़ मैं गाड़ी को नॉर्मली चला रहा हूँ, 17 km/h की माइलेज आ रही है नॉर्मल सिटी ड्राइव में सपोज़, ठीक है। अब अगर मैं उसी में उसको रेसिंग वाले मोड में चलाना चाहूँ तो 12-13 की माइलेज हो जाएगी। अगर कोई नेचुरल रेस्पिरेटेड इंजन होता जिसकी 17 माइलेज आ रही है नॉर्मल चलाने में, रेसिंग मोड पे उसकी आती फिर 15 के आसपास, इतना फ़र्क ना आता 12 एंड 17 का। सेम गोज़ विद हाईवे, अगर नेचुरल रेस्पिरेटेड की नॉर्मल की 17 आ रही है, हाईवे पे 20 आ रही है, तो जो मेरा टर्बो चार्जर इंजन है वो 23 की माइलेज देगा, गैप बढ़ जाता है उसका। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए टर्बो चार्जर इंजन हाईवेज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं, इसीलिए लोग डीजल गाड़ियां में लेते हैं ताकि उनकी माइलेज ज़्यादा आए, तो सिटी में भी ज़्यादा आ जाती है डीजल फ्यूल की वजह से भी, टर्बो चार्जर की वजह से भी, और हाईवेज़ पे भी डीजल इंजन की माइलेज काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो अगर एक नेचुरल रेस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसकी माइलेज हाईवे में कंपैरेटिवली टर्बो चार्जर वाले इंजन से कम आएगी, चाहे उसकी कैपेसिटी और पावर सेम हो तब भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और टर्बो चार्जर एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, एंड अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है और आपको पसंद है फास्ट गाड़ियाँ भी और माइलेज अच्छी भी रहे, सारा कुछ कोई प्रॉब्लम ना आए, तो टर्बो चार्जर एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। तो ये था मेरी तरफ से टर्बो चार्जर की डेफिनेशन, उसकी वर्किंग, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी, उसकी पावर, एंड उसके बारे में एक एक डिटेल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आपके सारे डाउट टर्बो चार्जर को लेकर खत्म हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। हाँ, ये हो सकता है जवाब देने में थोड़ा टाइम लग जाए, वीडियो ज़्यादा होती है, कमेंट भी आते हैं, और हर कमेंट का जवाब मैं खुद ही देता हूँ, तो उनको थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, काफ़ी हेल्प होगी उनकी, मेरी हेल्प होगी चैनल को ग्रो करने के लिए, और उनकी हेल्प होगी, उनको नॉलेज आप उनके साथ अगर शेयर करेंगे। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।